हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई। आज बात करेंगे हम TA, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो जो अपनी पहली वीडियो थी इस चैनल की, TA रोल के बारे में। वो पहली वीडियो थी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा तो आप देख सकते हो उसको। अब बात करेंगे उससे आगे, यानी कि पार्ट 2। हमने चैप्टर 3 कवर कर लिया था उसमें, अब है चैप्टर 4। इसमें उसमें क्या था, उसमें कुछ कंडीशंस थी कि TA के लिए क्या कंडीशन है, गलत क्लेम करोगे तो क्या होगा, ये सब चीजें थी। तो आज बात करेंगे वेरियस मोड ऑफ जर्नी एंड एंटाइटलमेंट। लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के इम्प्लॉय हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। आपको मैं यहाँ पे बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा हर तरह की, जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016, चाहे पे एंड अलाउंस हो, चाहे आपका प्लेसमेंट का हो, चाहे आपका जर्नल का हो, चाहे लीव का हो, चाहे आपका कोई भी हो, मतलब सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर करूंगा डे बाय डे। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और आपके नॉलेज में जो भी कर्मचारी है उनको भी शेयर कर देना। वैसे मेरा ये तीसरा चैनल है, कभी ये सोचो कि नया चैनल है, तो मैं ऑलरेडी 3 साल से यूट्यूब के ऊपर हूँ और मेरा एक दूसरा चैनल है सक्सेस हरियाणा के नाम से। लेकिन क्या है, वहां पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आती थी, ये वीडियो मैं वहां पे भी डालता था लेकिन वो मिक्सअप हो जाता था, इसलिए मैंने सोचा नया चैनल में बना लेता हूँ। तो इसलिए ये नया चैनल है और इसके ऊपर केवल और केवल हरियाणा सरकार से रिलेटेड कर्मचारियों की जो वीडियो वही आएंगी बस। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। बात करते हैं मोड, जर्नी बाय क्लास ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एंटाइटलमेंट और अबो क्लास। देखो देखो, ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बस लागू है, यानी कि आप एक कर्मचारी और आपको ऑर्डिनरी बस का ही अलाउंस मिलेगा, और आपने उससे भी सस्ता अगर कुछ कहीं पे भी ट्रेवल किया है, किसी भी मोड में, किसी भी उसके द्वारा, अगर आपने उससे भी सस्ता अगर आपने किया है, तो जो चीज लेस होगी वो आपको मिलेगी। अगर आपने अपने व्हीकल से आपने उसको जर्नी को किया है, या फिर रोड माइलेज जो आपकी देखी जाएगी, क्योंकि अपने व्हीकल से तो आप पर किलोमीटर 9 किलोमीटर मांगोगे, लेकिन एक्चुअल में आपके व्हीकल का जो खर्चा आया ना वो आपको मिलेगा, या फिर जो रोड माइलेज सरकार देती है वो मिलेगी, यानी कि जो इन दोनों में से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी देती है जी 10 रुपए पर किलोमीटर की एवरेज, समझ गए, ये आपकी गाड़ी एवरेज देती है, आपने परमिशन लेके आप अपनी गाड़ी से गए, बिना परमिशन आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बिना परमिशन अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो आपको केवल जो आपका किराया एक्चुअल में जो सरकार आपको देती है बस का लागू है या जो भी लागू वो मिलेगा आपको, और सरकार देती है आपको 9 रुपए पर किलोमीटर। तो आप ये नहीं कहोगे जी मैं तो अपनी गाड़ी की परमिशन लेके गया था तो मुझे 10 रुपए पर किलोमीटर दे, आपको 9 रुपए पर किलोमीटर ही मिलेगा। तो कुल मिला के ये है, चाहे आपकी एक्चुअल जो जर्नी है वो, यानी जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो, या जो सरकार आपको देती है जो सेंशन है वो, जो भी इसमें से कम होगा वो आपको मिलेगा। मेन मेन बात ये है। अब बात है सबसे, आपको ये तो आपको पता ही होगा कि जो ये मिलते हैं ये होती है रीएम्बर्समेंट, मतलब कि पहले खर्च करो फिर लो, कैशलेस नहीं होता। कभी सोचो कि सरकार पहले आपको देगी फिर आप जाओगे, नहीं, पहले आपको खुद खर्च करना पड़ेगा फिर आप क्लेम करोगे, उसको कहते हैं रीएम्बर्समेंट। हाँ, इतना हो सकता है कभी कभी आपको एडवांस में दे देती है जो आपका ऑफिस है, वो एडवांस भी दे सकता है आपको। ठीक है, चलो अब बात है 17 नंबर रूल, जर्नी बाई बस, कि किस किस को कौन सी बस लागू है, किस किस को कौन सी बस के लिए एलिजिबल है। ग्रेड ऊपर बता चुका था मैं पहले वीडियो में, नहीं देखे देख लेना कि कौन किस ग्रेड में आता है, किस पे ग्रेड वाला किस ग्रेड में काउंट होगा। ग्रेड 1 और 2 वो जा सकते हैं जी एसी बस इंक्लूडिंग वोल्वो हरियाणा रोडवेज। ग्रेड 3 वाले जो जा सकते हैं एसी बस इंक्लूडिंग वोल्वो हरियाणा रोडवेज और डिलक्स बस, यानी कि हरियाणा रोडवेज की एसी बस, वोल्वो बस, लेकिन इसके साथ साथ डिलक्स बस भी जा सकते, उनको लागू है। ग्रेड 4 डिलक्स बस और ऑर्डिनरी बस, इसका मतलब क्या हो पता है, जो सबसे बड़ा कर्मचारी है, कर्मचारी तो नहीं होता वो अधिकारी होता, लेकिन मैं तो एक इंप्लॉय के तरीके से बात कर रहा हूँ, जो सबसे हाई ग्रेड का है वो केवल और केवल एसी वोल्वो में ही जाएगा, उससे कम वाले हैं वो एसी वोल्वो अगर उनको है तो उनके डिलक्स भी है, वो उससे नीचे वाली भी जा सकता है। ग्रेड 4 वाला है वो डिलक्स और ऑर्डिनरी दोनों में जा सकता है। ग्रेड 4 होता है 2500 ग्रेड से लेकर के 4200 ग्रेड तक का कर्मचारी। ग्रेड 5 जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी बस, केवल और केवल साधारण बस, ये होता है आपका 1300 ग्रेड से लेकर के 2400 ग्रेड तक का। ये हो गई आपकी बस में अगर जाते हो तो आपको किस बस का किराया मिलेगा, समझ गए, ये हो जाएगी आपकी बस।
अब बात अगर आप ट्रेन से जाते हो, अगर आपकी जर्नी ट्रेन से है तो आपको कौन से डिब्बे का पैसा मिलेगा, कैसे? अगर ग्रेड 1 और 2 वाले हैं तो एसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास का उनको किराया मिलेगा। ग्रेड 3 वाले हैं वो ले सकते हैं जी एसी टीयर 2 और एसी चेयर कार का किराया। ग्रेड 4 वाले AC 3 टीयर और नॉन एसी चेयर कार का किराया। और ग्रेड 4 वाले लेंगे भाई सेकंड क्लास का या सेकंड क्लास स्लीपर का। इन दोनों में से जो भी आपने एक्चुअल में जर्नी में किया है वो आपका मिलेगा। नोट, जर्नी बाई रेल इंक्लूडिंग राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और अदर सच ट्रेन, सभी तरह की ट्रेनें जो है वो इसमें इंक्लूड रहेंगी। अगर आप समुद्र के रास्ते से कहीं जा रहे हो भाई, समुद्र के रास्ते से आप जर्नी कर रहे हो, वैसे हरियाणा में तो समुद्र नहीं है लेकिन फिर भी कभी आपको मौका मिले, हरियाणा से बाहर सरकार भेजे आपको और आप समुद्र के रास्ते से किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, अगर मौका मिले तो ये देख लो भाई, क्लास 1 और 2 जो हाईएस्ट क्लास रहेगी स्टीमर की वो क्लास 3 और 4 है, वो सेकंड क्लास बाई लोअर क्लास, 3 बाई मिडिल क्लास, 4 क्लास बाई थर्ड क्लास और ग्रेड 5 है बाई लोएस्ट क्लास, जो सबसे सस्ती टिकट होगी वो मिलेगी आपको। ठीक है, ये इसमें चलो समुद्र का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हवाई जहाज से अगर जाते हो तो ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए कि हवाई जहाज से अगर जाते हो तो क्या होगा। ग्रेड 1 में चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह है इनका, तो हमें क्या लेना, इनका तो पता ही, इनको तो क्या समझाना। अच्छा, बात करेंगे हम ग्रेड 4 की, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 की, क्योंकि इसी में आते कर्मचारी, उससे ऊपर तो फिर अधिकारी हो सकते हैं। ग्रेड 4 वाले अगर जा रहे हैं एरोप्लेन से, एरोप्लेन से कब जाएंगे, अगर उनको आउट ऑफ इंडिया जाना है तो, उसके अलावा नहीं। कभी कोई सच कहे कि मैं तो जी दिल्ली से मुंबई जाना है, मुझे सरकार भेज रही है और टाइम कम है, मैं तो एरोप्लेन से जाऊंगा, भाई नहीं, आपको लागू नहीं है। आपको हवाई जहाज का किराया तभी मिलेगा जब आपको सरकार अदर स्टेट अदर उसमें कंट्री में भेजती है, आउट ऑफ इंडिया भेजती है, तो ग्रेड 4 और ग्रेड 5 दोनों ही आउट ऑफ इंडिया के लिए ही मिलेगा आपको एयर का किराया, जो आपका है इकोनॉमी क्लास का केवल। अदर जो ग्रेड 3 वाले हैं वो उनका लिमिट है कि किस ग्रेड से किस ग्रेड तक का इंडिया में जाएगा तो मिलेगा, तो वो अलग चीज है, उसका छोड़ो। आपके काम की दो बात थी, इकोनॉमी क्लास केवल आउट ऑफ इंडिया के लिए। परमिशन फॉर जर्नी बाई एयर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कुछ कंडीशंस को छोड़ करके परमिशन कैसे मिलेगी, जो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं तो कौन देता परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस डिपार्टमेंट मे परमिट एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू ट्रेवल बाई एयर इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ACS है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके आपको लोकहित के दौरे के लिए परमिशन देगा इसकी, यानी कि एयर से जाना है तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है आपका हेडक्वार्टर से आपकी परमिशन मिलने वाली है। सिलेक्शन ऑफ एयरलाइंस फॉर जर्नी बाय एयर, वो कैसे सिलेक्शन करना है, ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न शैल प्रेफर एयर इंडिया फॉर जर्नी बाय एयर। देखो अब क्या था, एयर इंडिया का नाम क्यों आया, क्योंकि अभी तक वो सरकारी कंपनी थी, समझ गए, अभी तक वो सरकारी कंपनी थी लेकिन अब उसको सरकार ने भाई बेच दिया है, टाटा कंपनी ने उसको खरीद लिया है, तो ये रूल आए थे 2016 में, उस टाइम तक सरकारी कंपनी थी। अब किसका मिलेगा उसके बारे में कुछ मैं नहीं कह सकता, वो डिपेंड करेगा जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी परमिशन की, तब आपको ऑटोमेटिक लिख के आएगा कि आप इस एयरलाइन से जा सकते हो। ठीक है, अभी तक एयर इंडिया को ही लागू था। अच्छा, रीएम्बर्समेंट ऑफ रिजर्वेशन और कैंसिलेशन चार्जेस, अगर बाई चांस 23 नंबर रूल क्या कहता है, किसी भी कारण से आपको जर्नी कैंसिल करनी पड़ी ड्यू टू एनी रीजन बाय पब्लिक कन्वीनियंस वाइल ऑन टूर और ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट, द फॉलोइंग चार्जेस रीएम्बर्सेबल। मतलब कि आपने हर चीज पहले से फिट कर रखी थी, आपने भाई ट्रेन की बुक कर रखी थी टिकट वगैरह, और कैंसिल करना पड़ गया आपको लोग किसी भी रीजन से, तो आपको क्या मिलेगा, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड स्लीपर चार्जेस, एक्चुअल कॉस्ट जो रिजर्वेशन की थी स्लीपर चार्जेस की थी वो आपको मिलेगी। तत्काल सेवा चार्ज, अगर आपने तत्काल में टिकट बुक की तो वो मिल जाएगा आपको। चार्जेस फॉर बुकिंग और टिकट थ्रू इंटरनेट या टिकटिंग, जो आपको इंटरनेट चार्ज जो लगता है ना वो मिल जाएगा आपको। और कैंसिलेशन चार्ज फॉर जर्नी कैंसिल्ड बाय ऑफिशियल रीजन और इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस,
मतलब कि ऑफिशियल रीजन की वजह से आपको भाई ये जो है ना आपकी कैंसिल हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका कह दिया मेरा तो भाई पैर टूट गया मैं नहीं जा सकता, उस केस में पता नहीं आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें तो ये ऑफिशियल रीजन होना चाहिए कोई। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब है इसका, बात करते हैं कितना रुपया पर किलोमीटर मिलेगा, देखता हूं मैं कितना। अगर आप कोई भी जर्नी ऑटो रिक्शा से या फिर आप भाई टैक्सी से करते हो तो आपके लिए क्या कंडीशंस है वो देखो। ग्रेड वन का है वो एसी टैक्सी से जाएगा, अगर ऑटो रिक्शा से जाता है अपने व्हीकल से जाना चाहता है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी है। दोनों ही केस में उसको 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है, 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन क्या है, अब ये रूल 2018 में इसको सरकार ने, 2018 में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का आया था लेटर, उसमें क्या है चेंज कर दिया। तो जो ग्रेड 4 और ग्रेड 5 का है 6 रुपये पर किलोमीटर, इसको सरकार ने बढ़ा के 9 कर दिया था। वो लेटर भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसी वीडियो में दिखा दूंगा लास्ट में, उसमें बात करेंगे इसके बारे में। इसको भी स्किप कर देते हैं, उसको मैं आगे देखूंगा। लेकिन अगर आपको जाना है तो एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑटो रिक्शा से जाते हो तो आपको विद द प्रेयर अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस फॉर ईच जर्नी, सभी जर्नी के लिए हेड ऑफ ऑफिस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। हेड ऑफिस का मतलब क्या है कि आप भाई जो आपका वो कार्यालय का अध्यक्ष है जिस ऑफिस में कार्य करते हो वो। और अगर आप अपने स्कूटर से या मोटरसाइकिल से, गाड़ी आपको अलाउड नहीं है, अगर खुद के व्हीकल से जाना तो आपको बाइक और स्कूटर का ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, विद द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ ऑफिस ईच जर्नी, अपनी पहले अप्रूवल मिलेगी तभी आप इसको जा सकते हो, तभी आप क्लेम कर सकते हो। और अगर अगर आपको परमिशन दी है जाने की तो आप जाओगे, तो आपको टोल वगैरह का, जो आपका टोल है 27 नंबर रूल कहता है, ओरिजिनल रिसिप्ट के साथ अगर आप दिखाते हो तो आपको जो भी टोल मिला है, चाहे आप हरियाणा के अंदर हो चाहे हरियाणा से बाहर हो, ठीक है, दोनों आपको, दोनों कंडीशन में आपको मिलेगा टोल का या जो भी आपको अलाउंस है वो मिलेगा। लेकिन वो भाई आप बाइक और स्कूटर से जाओगे तो टोल लगेगा ही नहीं, ये कंडीशन है जो जिनके लिए कार लागू है, जिनके लिए जो भाई आपसे ऊपर के अधिकारी ग्रेड 3 और ग्रेड 1-2 के, उनको ही मिलेगा टोल, क्योंकि आपका तो स्कूटर का है तो स्कूटर में तो टोल लगता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं लोकल जर्नी, लोकल जर्नी वाइल ऑन टूर। अगर आप लोकल जर्नी पे रहते हो, लोकल जर्नी का मतलब है अपने एरिया में घूमते हो, उसके में आपको क्या मिलेगा, कितने किलोमीटर तक का मैक्सिमम मिल सकता है। देखो लोकल जर्नी का मतलब क्या है कि आपको 50 किलोमीटर से ज्यादा का एक सिटी में, लोकल जर्नी यानी कि जो आपने बस से, टैक्सी से, रेलवे से उतरने के बाद जो ऑटो रिक्शा से या रिक्शा से आपने तय की, वो होती है लोकल जर्नी। तो एक सिटी में 50 किलोमीटर से ज्यादा की लोकल जर्नी नहीं मिलेगी, और वो भी उतनी मिलेगी, यहाँ पे लिखा है या तो एक्चुअल कॉस्ट हो या आपने जो जर्नी की जो आपको मिलता है 9 रुपये पर किलोमीटर वाला, वो जो भी इन दोनों में कम होगा वो मिलेगा। कभी कोई सोचे कि 50 गुणा 9 कर दूंगा, नहीं, एक्चुअल में आपने कितने पैसे खर्च किए वो आपको मिलेगा। अच्छा, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सेप्शन रहेगा क्या, अगर किसी सिटी की 2011 की जनगणना अनुसार, हरियाणा में तो है नहीं वैसे लेकिन फिर भी, 50 लाख से ज्यादा की अगर जनसंख्या थी किसी स्टेट की, इसकी सिटी की 2011 में, तो वहां पे ये कंडीशन लागू नहीं होगी। तो कौन सी सिटी है वो है जी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में भी तो आपको मिलेगा ना। अगर आपको चीफ सेक्रेटरी ऑफिस दिल्ली में नौकरी करनी है, कर रहे हो आप, और आपको जाना पड़ेगा, तो वहां पे ये कंडीशन 50 किलोमीटर वाली नहीं रहेगी, फिर आपको ज्यादा भी मिलेगा, समझ गए। अच्छा अब बात करते हैं इसके बारे में कि लोकल जर्नी के लिए आपको जो मिलेगा ना, नोट 2 क्या लिखा है कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई जो आपने जर्नी करी ना वो लोक हित में करी है, पब्लिक इंटरेस्ट में की है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना पड़ेगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तीसरा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु परफॉर्म जर्नी ऑन फुट और बाइसिकल सेल बी इंटाइटल्ड फॉर लोकल माइलेज अलाउंस एट द रेट ऑफ 4 रुपीज पर किलोमीटर। देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपको भाई या तो पैदल जा रहे हो या साइकिल से जा रहे हो, जरूरी नहीं है ना ऑटो रिक्शा में जाओ। तो अगर पैदल का और साइकिल वाला केस है तो आपको 4 रुपये पर किलोमीटर का फिर भी मिलेगा, फिर आपको 4 रुपये पर किलोमीटर का मिलेगा जितनी भी जर्नी आपने की है। लोकल लोकल जर्नी तब होती है जब आपको बस ना मिले, ठीक है, जहां पे बस अवेलेबल ना हो वहां लोकल जर्नी होती है। 30 नंबर रूल क्या कहता है, जर्नी विद, यानी कि लास्ट है आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है,
जर्नी विद इन रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर्स ऑफ हेडक्वार्टर, जहां पे आपकी ज्वाइनिंग है, जिस ऑफिस में कार्य करते हो उस ऑफिस के सर्कल में 20 किलोमीटर का घेरा डाल लो, उसमें अगर आप जर्नी करते हो तो आपको क्या मिलेगा। विद इन रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर, विद इन की बात हो रही है यानी कि 20 किलोमीटर के अंदर अंदर, 20 किलोमीटर से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपको आप क्या ले सकते हो, क्योंकि 20 किलोमीटर से बाहर जाओगे ना तो आपको डेली अलाउंस भी मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। लेकिन अगर आप 20 किलोमीटर के अंदर हो तो क्या मिलेगा, देखो द हेड ऑफ ऑफिस में परमिट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू ड्रा द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग नॉट मोर देन लोकल माइलेज अलाउंस लिमिटेड टू 25 किलोमीटर्स इन ए डे एट द रेट एडमिसेबल अंडर दीज रूल फॉर द जर्नी परफॉर्म इन पब्लिक इंटरेस्ट एट वन और मोर स्टेशन विद इन द रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर्स ऑफ द हेडक्वार्टर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हेड ऑफ ऑफिस में रिलैक्स द लिमिटेशन ऑफ 25 किलोमीटर बाई रिकॉर्डिंग रीजन स्पेसिफिकली। मतलब क्या है, केवल आप ट्रैवलिंग अलाउंस ले सकते हो, जो आपकी लोकल माइलेज है ना वो आप उससे ज्यादा नहीं वो ले सकते हो, कितना 25 किलोमीटर एक दिन की। ये तो 20 किलोमीटर की तो बाउंडेशन है, ये तो रेडियस है कि भाई अपने ऑफिस के 20 किलोमीटर के चारों तरफ का, लेकिन आपने दूरी कितनी तय की इन 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर, दूरी कितनी की, तो एक दिन में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हो आप। और अगर आपका हेड ऑफ ऑफिस यानी कि आपका कार्यालय अध्यक्ष परमिशन देता है तो ये 25 किलोमीटर है, इसकी छूट भी आपको मिल सकती है, ये लाइन लास्ट में लिखी है, ठीक है। और ये जो है ना बिना परमिशन के नहीं होगा, यार याद रखना, अगर आप 20 किलोमीटर के अंदर की रेडियस की लेना चाहते हो ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये आपका द हेड ऑफ ऑफिस में परमिट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू ड्रॉ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, या तो जो एक्चुअल कॉस्ट आपकी लगी, चाहे आप बाइक से गए किसी से भी गए वो हो या लोकल माइलेज हो, जो भी कम होगी वो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो कम मिलेगी जब आपका हेड ऑफ ऑफिस आपको परमिशन देगा पहले तब। ओके, ये है इसका, तो आज का चैप्टर हुआ खत्म। अब रह गया आगे अलाउंस वगैरह क्या मिलते हैं, ये तो कंडीशंस थी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं वो आपको पता होना जरूरी है, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपको कंडीशंस ही नहीं पता होगी तो आपसे चूक हो जाएगी, आप बड़ी पेनल्टी के हकदार हो जाएंगे। तो ये थे रूल्स, अब मिलेंगे आपको अलाउंस के, कितने अलाउंस आपको मिलते हैं। तो ये वीडियो थी दूसरी अपनी ट्रेवलिंग अलाउंस के ऊपर, इसको लाइक और शेयर कर देना, मेरे हिसाब से आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो इसको आप पूरी देखने के बाद समझ लेना। अगली वीडियो तीसरी आएगी ट्रेवलिंग अलाउंस के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। तो कल बात करेंगे अगली वीडियो में, कल या परसों जब भी बनेगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लाइक और शेयर कर देना, चैनल नया है इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, दूसरे कर्मचारियों को भी इसको आप शेयर जरूर कर दे, थैंक यू।